हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में कौन कौन से सिम्टम्स दिखने वाले हैं, आप में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन दिखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको आपके पिछले मंथ में बताया, सेम वैसे ही 80% सिम्टम आपको वैसे ही इस मंथ में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम बताई थी, तो आपको फर्स्ट मंथ में वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको सेकेंड मंथ में भी वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में HCG हार्मोन होता है, उसका लेवल हाई हो गया होता है, प्रोजेस्टेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये सारे हार्मोन्स अधिक हो गए होते हैं, जिस कारण हमें मतली सा फील होता है, हमें वोमिटिंग आती है। तो ये सिम्टम आपको सेकेंड मंथ में भी रहने वाला। इसके अलावा था थकान, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, और चक्कर सा आना, सिर दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स 19-20 करके आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलने वाले हैं। देन आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, आपको रेस्ट करनी है, अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है, आपको अपने बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होने देना है, आपको हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है, आपको पानी अधिक से अधिक पीना है, आपसे जितना हो पाए 2 से 3 लीटर पर डे आपको पानी पीना है, आपको डिहाइड्रेट कुल मिला के नहीं होने देना है बॉडी। तो आपको सारी ये प्रॉब्लम्स कम होने वाली हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बेबी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो बेबी के चेंजेस के लिए, जैसे आपका पिछले महीने में हमने बताया कि फर्स्ट मंथ में आपका बेबी एक पी के दाने के जितना होता है, पी यानी मटर के दाने जितना होता है, अब वहीं आपका बेबी एक अंगूर की सेप का हो गया होता है, एक अंगूर लगभग जितना बड़ा अंगूर होता है उतना साइज का आपका बेबी हो गया होता है। उसकी अगर लेंथ की बात करें तो मिनिमम 0.5 से लेके 1 इंच तक उसकी ग्रोथ हो गई होती है, उसकी लंबाई हो गई होती है। इस टाइम पर आपके बेबी के हैंड, बेबी के फुट, ये सारे जो अंग होते हैं, इनकी आकृतियाँ बनना पिछले मंथ के लास्ट तक शुरू हो गई थी, अब इस मंथ के लास्ट तक अच्छे से बन गई होती हैं। हाँ, ये नहीं कहेंगे हम कि क्लियर बन गई होती हैं, क्लियर नहीं बनी होती हैं अभी, अभी क्लियर बॉडी नहीं बना होता है, पूरे अंग नहीं बने होते हैं, लेकिन हाँ उनके साइन अच्छे से बन के आ गए होते हैं, अच्छे से उभर के आ गए होते हैं। और इस टाइम पर बेबी का हार्ट वर्क करना अच्छे से शुरू कर देता है, बेबी की लीवर, बेबी की किडनी, ये सारा कुछ बनने लगता है इस महीने के लास्ट तक, ये अच्छे से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इस महीने के लास्ट तक आपकी बेबी का मस्तिष्क भी डेवलप होना शुरू हो गया होता है। डेवलप का मतलब ये नहीं कि वो समझना शुरू कर देता है, समझना नहीं बल्कि बनना शुरू हो गया होता है, वो अपना प्रोसेस उसका बनने का शुरू हो चुका होता है। इसके अलावा आपके बेबी में इस टाइम पर बहुत ही तीव्रता से ग्रोथ होने वाली है। देन आप 8 महीने और वेट करिए, आपके जीवन में एक नन्ही सी जान आने वाली है। इसके अलावा आपको और क्या क्या सिम्टम्स दिखने वाले हैं, या आपकी बेबी में और ज़्यादा कितनी ग्रोथ होगी, ये सब जानने के लिए आपके तीसरे मंथ में चलना पड़ेगा। देन हम तीसरे मंथ के लिए आपको अगेन से वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं, आपको कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल से आपको नोटिस करनी है, आपको बिल्कुल भी उस विषय में लापरवाही नहीं करनी है। देन हमने आपको जैसे कि पहले बताया, आपको एक्स्ट्रा सी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, आपके शरीर को वो गर्म कर सकती है जिस कारण आपका मिसकैरेज हो सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा सी कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है। जैसा कि हमने आपको पहले मंथ में बताया था कि आपके ब्रेस्ट में काफ़ी पेन होने वाला है, वो पेन इस महीने के लास्ट तक बिल्कुल हल्का होने वाला है। हाँ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि वो पेन बिल्कुल से फिनिश होने वाला है, फिनिश नहीं होने वाला होता है, फिर भी पहले मंथ की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया होता है। इसके अलावा आपके पैरों का भी पेन कम हो गया होता है। हाँ, आपको हो सकता है स्वेलिंग की समस्या हो जाए, आपको हल्की हल्की स्वेलिंग दिख सकती है। और हाँ, आपके बेबी
आपको जिससे 9 महीने तक ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो, जितनी भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो सारा जिससे वो लेने वाला है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। इस महीने के लास्ट तक प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो गया होता है, वो लास्ट तक अपना वर्क करना भी शुरू कर देता है। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, आपको आयरन, विटामिन्स, फॉलिक एसिड, ये सारी मेडिसिंस आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इस टाइम पर आपके बेबी के डेवलप के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपकी बेबी की हड्डियाँ भी बनना शुरू हो गई होती हैं, इसलिए उसे आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप एक अच्छी सी अच्छी बेटर से बेटर डाइट लें और ये सारी मेडिसिंस कंटिन्यू करें। देन इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको करना क्या नहीं है। तो आपको इस टाइम पर अधिक ट्रैवल नहीं करना है, आपको ज़्यादा यात्रा बिल्कुल से भी नहीं करनी है। आपको अगर गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, फिर भी आपको ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको लगे कि जिनका तासीर गर्म है वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है इस टाइम पर। इसके अलावा है आपको क्या खाना है, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, दालें हैं, और इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मिल्क। आपको मिल्क पूरे के पूरे 9 मंथ तक लेना ही लेना है। आपको अगर सर्दियों का टाइम है इस टाइम पर, देन आपको सोने से पहले एक ग्लास गुनगुना दूध आपको ज़रूर से लेके सोना है, उसको मिस नहीं करना है। अगर गर्मी है फिर भी आपको मिल्क बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। कहते हैं दूध एक ऐसा होता है जिसमें सात्विक गुण पाए जाते हैं, तो आपको मिल्क कंटिन्यू रखना है टोटली 9 के 9 महीने। हाँ, 9 महीने के बाद भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, इसलिए भी आप मिल्क कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए, हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और इसके अलावा कौन से ऐसे वर्क हैं जो बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए हमें, या इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने होने वाले बेबी का पूरा से ख्याल रखें, हैप्पी रहें और उसको भी हैप्पी रखें। तो हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।